नमस्कार, मैं अवनिंदर सिंह, प्रधानाध्यापक एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय छिलदार। जहां तक ऑनलाइन क्लास का संबंध है या पढ़ाई का संबंध है, अभी कोविड काल में बिल्कुल ही एक वैक्यूम आ गया था कि कैसे पढ़ाई शुरू की जाए। तो सरकार ने इस दिशा में शुरुआत किया डीजी साथ के माध्यम से। डीजी साथ एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया जिसमें कि अच्छे उत्कृष्ट श्रेणी के ई कंटेंट कहीं अच्छी जगह पर तैयार किए गए और उसे विभिन्न माध्यमों से ब्लॉक तक भेजा गया, ब्लॉक के माध्यम से फिर शिक्षकों को भेजा गया और शिक्षकों के माध्यम से वो बच्चों तक पहुंचे। यद्यपि इसकी समीक्षा के दौरान जब पता चला कि ये ई कंटेंट बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सभी बच्चों तक इसकी पहुंच नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास गांव में खास करके एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल है भी तो फिर उनके पास डाटा की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में उन खास उस तरह के बच्चों के लिए एक टेलीविजन से कार्यक्रम शुरू किया गया रांची दूरदर्शन के माध्यम से, और उसमें विषयवार और कक्षावार पढ़ाई शुरू की गई, जिसका पहले ही कार्यक्रम दे दिया जाता है, बच्चों को सूचित कर दिया जाता है कि आज ये पढ़ाई होगी। तो जिन घरों में टेलीविजन की पहुंच है, दूरदर्शन की पहुंच है, वहां भी बच्चे अब इसके माध्यम से पढ़ने लगे। लेकिन अभी भी यह समस्या रह ही जाती है कि क्या सभी घरों तक दूरदर्शन की पहुंच है या टेलीविजन उपलब्ध है उस समय पर। अब इसके लिए फिर से प्रयास किया जा रहा, सोचा जा रहा है कि इसको कैसे और आगे किया जाए। लेकिन सरकार ने जो इस दिशा में प्रयास किए वह अच्छा है, प्रशंसनीय है, और उनके शुरुआत के बाद बहुत सारे शिक्षकों ने अपने स्तर पर सरकार की शुरुआत के पहले भी और बाद में भी उनके साथ जुड़ करके बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए और उनको बच्चों तक भेज रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स ओपन हो गया है, सारे शिक्षक अभी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक डिजिटल माध्यम का सवाल है, लोगों तक, बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचने का, तो इस संबंध में कई श्रेणियां हैं और उस श्रेणी के अनुसार सरकार प्लान कर रही कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। एक ऐसा वर्ग है जिसके पास लैपटॉप और 4G कनेक्शन आदि सब कुछ है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, एक परिवार में चार चार फोन है तो वहां दिक्कत नहीं है। दूसरा श्रेणी ऐसा है, दूसरी श्रेणी जिसमें कि बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन है और 4G कनेक्शन भी है, तो यहां भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां यही है कि सब वो क्लास टाइम में वह एंड्रॉयड फोन अवेलेबल रहता है कि नहीं रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार परिवार के पास एक ही फोन है और तीन बच्चे पढ़ने वाले हैं, या जिस जिसके पास फोन है वो घर से बाहर काम करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो बाहर हो जाते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तीसरी श्रेणी ऐसी है जिनके पास फोन साधारण है और डाटा की भी समस्या होती है, तो यहां पर थोड़ी से दिक्कत प्रारंभ हो जाती है। इनके पास फोन हम ई कंटेंट भेज देते हैं, देंगे और फिर वो अपनी सुविधा अनुसार कभी निकाल करके उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करना मुश्किल होता है। चौथी श्रेणी ऐसी है जिनके पास फोन तो है, छोटा फोन है, एंड्रॉयड फोन नहीं है, लेकिन टीवी है, तो इनके लिए भी हम टीवी के माध्यम से, हम चाहे केबल टीवी के माध्यम से हो या फिर दूरदर्शन के माध्यम से हो या और कोई भी चैनल से हो, टीवी पर निर्धारित समय पर हम कार्यक्रम का प्रसारण करके उनको उन तक बात पहुंचा सकते हैं। और जहां पर जिस घर में टीवी भी नहीं है गांव, तो वहां पर एक कम्युनिटी टीवी सभी जगह है, तो पंचायत कार्यालय में या और कहीं पर, तो वहां पर भी बच्चों के पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जा सकती है या की जाती है। और जहां पर वो भी नहीं है वहां पर कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है, ऑनलाइन ई कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं। अब ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई, वास्तविकता जो झारखंड के संदर्भ में हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा
यहाँ पर हम लोग पहले दूसरे पहले श्रेणी में तो सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत कम हैं, दूसरे श्रेणी में और तीसरे श्रेणी में बच्चे हैं जहाँ तक पहुँच रहा है, और बाकी इन सभी श्रेणियों को मिला करके जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनकी वहाँ तक हमारी पहुँच बहुत कम है, जबकि सीनियर क्लास के बच्चों तक हमारी पहुँच हो रही है। सीनियर क्लास में हम 50 से लेकर के 80-90 प्रतिशत तक बच्चों को हम ई कंटेंट पहुंचा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। मैं अपने विद्यालय की ही बात करता हूं तो यहां हमारे यहां जो उपस्थिति रहती है ऑनलाइन क्लास में या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वह लगभग 80-100% के बीच रहती है कुछ कक्षाओं में, और जबकि उसी के जूनियर कक्षाओं में उपस्थिति बहुत कम रहती है, लगभग 35-50% के बीच रहती है। तो ये स्थिति है, लेकिन अब इसका सब्स्टिट्यूट, इसका विकल्प ये हम लोग सोच रहे हैं कि क्या जा सकता है कि हमने गांव में बनाया है सेंटर, और वहां पर अपने किसी ऐसे बच्चों को हमने वहां पर तैयार किया है लीडर्स के रूप में। एक कल सेंटर है जहां पर वो बच्चा जो सक्षम है सब कुछ से, वो उसके पास हम कंटेंट भेज देते हैं और वो अपने गांव के बच्चों को बुला करके उनके साथ एक निश्चित समय पर उनको वो वीडियो दिखा देता है या वो ये कंटेंट उनको उपलब्ध करा देता है। और अभी और योजना हम लोग बना रहे हैं कि हम इन बच्चों तक हार्ड कॉपी में भी कंटेंट पहुंचा दें, ताकि वहां से ये बच्चे खुद नोट कर लें, कम से कम क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड परीक्षार्थी जो लोग हैं उनके लिए जो मॉडल सेट क्वेश्चन तैयार करके उनके आंसर तैयार करके हम उन तक पहुंचा दें, ताकि वो परीक्षा की तैयारी कुछ आत्मविश्वास के साथ कर सके। जहां तक अभिभावकों की प्रतिक्रिया का सवाल है, तो हमारे यहाँ ज्यादातर अभिभावक वैसे हैं जो रोजी रोटी की समस्या से जुड़े होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनसे अच्छी हो, और जो कुछ वो मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं तो बच्चे आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके अच्छा बने और बढ़िया से आराम से रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिभावक नहीं होते हैं कि वो बहुत ज्यादा समय दे सकें बच्चों को, लेकिन इच्छा उनकी रहती है। जहां तक ये ऑनलाइन क्लास का सवाल है, तो बच्चे अभिभावक चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई जारी रहे, स्कूल भी खुले। कुछ अभिभावक तो कई बार अप्रोच कर चुके हैं कि कैसे पढ़ाई हो सर इसका किया जाए, और लेकिन ज्यादातर लोग इस पक्ष में नहीं है कि इस समय बीमारी की अवस्था में किसी तरह का रिस्क लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों की जो प्रतिक्रिया है कि वो अगर व्यवस्था कर पाते हैं बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वो तनाव में रहते हैं, बच्चे भी तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं कि हमारा ये साथी तो पढ़ रहा है और हमारे लिए फोन नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके समाधान के लिए हमने पेयर और समूह के रूप में लर्निंग के लिए हमने कोशिश की है कि गाँव के आधार गाँव पर मोहल्ले में जिनके पास है कॉमन एक बना करके उस जगह पर बच्चे गांव के बच्चे या उस मोहल्ले के बच्चे कम से कम एक साथ एक क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ सकें। और बच्चों के लिए यह व्यवस्था की गई है जिससे बच्चे कुछ ठीक भी है, कुछ लाभ हो रहा है। जहां तक दसवीं या बोर्ड के बच्चों का सवाल है, उसका समय तो निर्धारित है, समय पर परीक्षाएं भी होने की उम्मीद है, लेकिन उनकी तैयारी कैसे हो यह चिंता का विषय है। चूंकि उनका क्लास पहले शुरू हो गया है तो हमारा उनका जो ये पाठ्यक्रम है वो लगभग 50-70% तक समाप्त हो रहा है, और कई कई जगह तो हम उसको फिर से रिवाइज भी करते जाते हैं। मैं एक बार दे दिया, तीन तरह से हमारी पढ़ाई हो रही है बच्चों के लिए। एक तो हम कंटेंट को PDF में बदल करके बच्चों को दे देते हैं ताकि वो खुद पढ़ सकें। दूसरा होता है कि हमारे पास जो YouTube में या कहीं और किसी का बढ़िया बढ़िया कंटेंट है या डीजी साथ में कंटेंट है, हम उनको बच्चों को फॉरवर्ड कर देते हैं। और तीसरा है कि हम स्वयं जो है वो क्लास लेते हैं यहाँ क्लास के माहौल में, और उस तरह से पढ़ाते हुए बच्चों के पास हम वीडियो भेज देते हैं बना करके। और दूसरा ये भी है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए जूम कॉल पर या और भी किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो मोड है उसमें बच्चों से इंटरेक्शन करते हुए पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक और ये हम लोग शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं कि
सभी विषयों के मॉडल सेट क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बैंक बना करके, चैप्टर वाइज बना करके हम उनका उनका क्वेश्चन और उसके आंसर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे क्वेश्चन और आंसर का अभ्यास करें और उसके बाद वो परीक्षा को के लिए समर्थ हो जाएं, तैयार हो जाएं। परीक्षा तो उम्मीद है परीक्षाएं समय से ही होनी है, अभ्यास के लिए हम उनको प्रश्न पत्र भेज रहे हैं और इन प्रश्न पत्रों का जवाब लिखने के बाद बच्चे यहाँ आएंगे स्कूल में, समूह में उनका कोई प्रतिनिधि आएगा और एक साथ वो बच्चे यहाँ पर एक बॉक्स में क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज वो रहेगा, वहां पर डाल के वो चले जाएंगे और तीन दिन चार दिन के बाद फिर उसका मूल्यांकन किया हुआ जो ये उनका जो आंसर शीट है जो टीचर्स उस पर मूल्यांकन कर देंगे, तो फिर वो आंसर शीट आकर के समूह वाइज में एक एक गांव से एक दो बच्चा आकर के या वर्ग से आकर के ले जाएगा और बच्चों को वितरित करेगा। इस तरह से हमारी योजना तो है कि इस कोविड में भी बच्चों की पढ़ाई न रुके और वो लॉकडाउन तो हो लेकिन पढ़ाई पूरी तरह से चलती रहे, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, अब आगे देखना है कि इसका परिणाम क्या आता है। दूसरी तरफ से सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है कि पाठ्यक्रम को सीमित कर दिया जाए, तो थोड़ा सा कम पाठ्यक्रम करने की है और उनसे जो ऐसे कंटेंट देने की कोशिश है कि बच्चे स्वयं से भी पढ़ करके उसको तैयार करके उसका जवाब दे सकें, और ये प्रयास सरकार की ओर से। उम्मीद करता हूं कि इस कठिन समय में सब लोग साथ लेकर के, बच्चे भी इस चीज को समझेंगे, गार्जियन भी समझेंगे और हम सभी लोग इसको, खास करके शिक्षकों के लिए तो चैलेंज आया और हम लोगों में बहुत परिवर्तन हुआ है इस कोविड काल में, तो ये इसे सकारात्मक लेते हुए हम भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं अपने शिक्षा की व्यवस्था में और बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको सहारा दें, आप अपने भरोसे खड़े होइए और तैयार होइए अपने भविष्य के लिए।